वेलकम दोस्तों, सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जो कानून की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। लेकिन दोस्तों, मेरी एक सबसे जो मेरे दर्शक है, मेरे व्यूअर्स है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो मेरा वीडियो देखते हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल कानून की आवाज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे मैं नई वीडियो बनाता हूं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो से शुरुआत करते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद अगर लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज करने के बाद अगर लड़की 164 के बयान या अपने बयान बदल देती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, इस वीडियो में आप जानोगे। लेकिन इस वीडियो को जब तक आप अंत तक नहीं जानोगे, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा। आप अंत तक इस वीडियो को सुनिए, अंत तक जानिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसलिए दोस्तों, इसको अंत तक देखिए। अगर लड़का और लड़की 18 और 21 का है तो वो कोर्ट मैरिज कर सकता है। कोर्ट मैरिज करने के बाद अगर जिस प्रकार कोर्ट मैरिज किस प्रकार से की जाती है, दोनों लड़का और लड़की दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कहीं भी से भी ये एक या दो दिन का समय लगता है। अगर कोर्ट मैरिज 18 की लड़की और 21 का लड़का होता है तो कोर्ट मैरिज आप एक तो आर्य समाज के मंदिर में जाइए, वहां रजिस्ट्रेशन करवाइए बेकायदा कि हम दोनों पति पत्नी के रूप में रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। वहां से शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद आप कोर्ट में वकील के माध्यम से कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश कीजिए कि हम दोनों कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। तो दोनों का वहां जज साहब के सामने स्टेटमेंट होता है, बयान होता है बेकायदा। वहां बयान देने के बाद आपको रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर ये सारी चीजें मिलने के बाद आप एक पति और पत्नी के रूप में हो जाते हो। लेकिन घर वाले के दबाव में आकर लड़की अगर आपके खिलाफ बयान बदल देती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर लड़की बयान बदल देती है तो आपके पास कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लड़की ने खुद आर्य समाज के मंदिर में जाके और जज साहब के सामने स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है। अब उसके बाद में लड़की बदलती है तो वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये सारी चीज कोर्ट के आधार पे होता है। इसलिए दोस्तों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लड़की कोर्ट मैरिज होने के बाद बयान भी बदल देती है तो आपके ऊपर कुछ होने वाला नहीं है, ये लिख के रख लो। क्योंकि ये सारी चीजें कोर्ट के माध्यम से हुई है, कोर्ट मैरिज हुई है, कोर्ट के सामने उपस्थित होकर बयान हुए, दोनों को ये पूछा गया कि आप अपने मनमर्जी से आपके इच्छा से शादी करना चाहते हैं, सारी चीजें कोर्ट के माध्यम से पूछा जाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर लड़की और लड़के के बीच में कोई थोड़ा बहुत मनमुटा हो जाता है तो उसके बाद में लड़की ये सोचती है, घर वालों को दबाव में आके ये सोचती है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती है, वो बयान बदलती है कि मुझे ये इन्होंने भगा के लेके गया या मुझे कुछ खिला के लेके गया है, तो ये सारी चीजें चलने वाली नहीं है, क्योंकि पहले ही ये स्टेटमेंट कोर्ट में नोट हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों, अगर हमारे माध्यम से, वकील के माध्यम से कहीं भी आप कोर्ट मैरिज करवाइए, कोर्ट मैरिज लीगल तौर पे आप कोर्ट मैरिज करवाइए, इसके बाद ही आप शादी करिए। किसी के बहकावे में नहीं है कि वैसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी, आप लीगल तौर पे आप कोर्ट मैरिज करवाइए, लीगल तौर तरीके से आप कोर्ट मैरिज करवाइए दोस्तों। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो कि कोर्ट मैरिज किस तरह से हो जाती है और किस क्या पर प्रकार क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी चीजें आपको मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।